नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 5 अगस्त 2019 के बाद एर्सवाइल रियासत जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर बन चुकी है, काफी कुछ गठित हो चुका है। लोकतंत्र के हवाले से अगर बात करें तो पिछले वर्ष BDC और उसके बाद DDC के चुनाव, खासकर ग्रासरूट लेवल की अगर बात करें, लोकतंत्र को मजबूती यहां पर मिली है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, अभी भी जम्मू कश्मीर के युवा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वादे खासकर नौकरियों के किए गए थे अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में अभी हाल ही में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा साहब की तरफ से एक अनाउंसमेंट की जाती है, और अनाउंसमेंट न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जो 28,400 करोड़ रुपये की ये स्कीम घोषित की जा रही है, और जिसमें कहा गया है कि एक समयबद्ध तरीके से लगभग जो युवा हैं, लगभग 4.5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कितनी महत्वाकांक्षी ये स्कीम, और खासकर जो शिफ्ट एक रियासत से एक यूटी की तरफ जम्मू कश्मीर ने किया है। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, खासकर कोविड के दौर में अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या इस पैकेज से और केंद्र की मदद से क्या एक स्टिमुलस न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ जिनका परिचय आप सबसे करा दो। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट से पर श्री ललित महाजन जी बैठे हैं, आप चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज इस पैकेज, क्योंकि एक समयबद्ध तरीके से इस पूरे पैकेज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कितनी आशान्वित होपफुल नजर आती है उस पर आप अपना मंथन रखेंगे। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री राकेश गुप्ता जी, जो जाने माने CA हैं और फॉर्मर डायरेक्टर जम्मू कश्मीर बैंक के आप रह चुके हैं। किस प्रकार इस पैकेज से क्या जो युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं क्या उनको एड्रेस किया जाएगा। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री अनिल सूरी जी बैठे हैं, आप फॉर्मर चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज रह चुके हैं, जाने माने उद्योगपति आप जम्मू के हैं, और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं प्रोफेसर मनोज भट्ट जी, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और एक अर्थशास्त्री के नज़रिए से आप इस पूरे खासकर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और खासकर इस नई स्कीम के बारे में मंथन करेंगे। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। ललित जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, खासकर इस 28,400 करोड़ के जो पैकेज की घोषणा LG साहब ने की है, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इंसेंटिव की बात की गई है, इंटर सबवेंशन की बात की गई है, GST लिंक इंसेंटिव की बात की गई है, इंडस्ट्री इस पूरे पैकेज को किस नज़रिए से देखती है? सर, ऐसा कि सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये जो हमारी स्टेट के इंडस्ट्रियल पैकेज, इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए जो पैकेज अनाउंस किया है, उसमें हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने अगस्त 2020 में ही उन्होंने जब टेक ओवर किया, और आज 4-5 महीने में उन्होंने हमारी स्टेट को एज फार इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखो तो उन्होंने इंसेंटिव्स ऐसे दिए हैं, जैसे पावर का उन्होंने हमको दे दिया है। पावर में हमारे, मैं अगर बात करूं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, मैं बड़ी बमना की बात करता हूं, हमारे पास वहाँ 10 करोड़ रुपए का लोगों को उसका बेनिफिट आया जी। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में 5% का जो लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है, वो 950 करोड़ रुपए का इसमें प्रोविज़न है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है। अब अगर हम इस पैकेज की बात करें तो ये बहुत इनकरेजिंग पैकेज है। अगर आप इसमें देखें, आज इंटरेस्ट की बात की आपने, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पे 3% पे अगर टर्म लोन मिल जाता है, आज बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है 8-9% है, आपको 6% अगर मिल जाता है, 2-2.5% में अगर बैंक लोन आपको 7 साल के लिए बैंक का फाइनेंस मिल जाए, ये तो उन्होंने कंपेयर कर दिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमको। पहले हम बात करते थे जी कि फॉरेन में जी बैंक जी 2-2.5% 3% पे फाइनेंस करते हैं, तो आज उसी पैटर्न पे हमारे यहाँ इंडस्ट्री को अगर ये बेनिफिट मिल गया है तो वी आर थैंकफुल फॉर दैट। वर्किंग कैपिटल को देख लीजिए, 5 साल के लिए दे दिया, उसमें 5% दिया 5 साल के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि एग्जिस्टिंग यूनिट को भी उन्होंने 5 साल के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी दे दी है 5% की। उससे देखिए जो ऑलरेडी देखो उसमें को जो हमारे इंडस्ट्री ऐसे भी यूनिट भी हैं जो सेंटर की सब्सिडी 3% ले चुके थे, उनका पैकेज खत्म हो गया था, स्टेट की जो यूनिट थी उनको पैकेज नहीं मिल रहा था इंटरेस्ट सब्सिडी का, उन सबको इसका बेनिफिट आएगा, 1 करोड़ की उसमें कैपिंग की गई है, बाकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से तो, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा है हमारा, हमारे जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के कमिश्नर सेक्रेटरी द्विवेदी साहब हैं, यहाँ डायरेक्टर इंडस्ट्री अनु मल्होत्रा, इन्होंने मतलब कि, और इनके सारे पूरे ऑफिशियल जो स्टाफ ने जो काम किया है दिन रात लगा, और उसका ये एक फ्रूटफुल हमारे पास ये जो पैकेज आया, ये पूरी कंट्री में मेरे ख्याल ऐसा पैकेज हमको आज तक किसी को नहीं दिया गया।
जो हमारे को 2004 का पैकेज है उससे भी बढ़िया पैकेज है। तो इसके लिए मैं ये फोर्सिंग कर रहा हूँ कि आने वाले समय में कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी, पर उसके लिए एक ही जो गवर्नमेंट को फोकस करना है दो चीज़ों पे, एक तो यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी, 50,000 कनाल लैंड आइडेंटिफाई की है, तो मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि और MD सिडको से कोई भी, उन्होंने भी ज्वाइन किया, इज वेरी पॉजिटिव उनका व्यू है इंडस्ट्री के बारे में, तो लैंड को डेवलपमेंट जो है वो टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए, से जितनी जल्दी करेंगे, क्योंकि आज प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर अगर इनके पास आना शुरू करेगा कि हमको लैंड दे, तो लैंड तो होनी चाहिए ना। आप घाटी इंडस्ट्रियल का ले लीजिए, घाटी इंडस्ट्रियल को डेवलप करते 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 8-10 साल हो गए, अब आके वहाँ पावर आई है। तो मेरी तो ये है कि प्राइवेट लैंड आपके पास कहते तो हैं, पर एग्रीकल्चर कन्वर्ट करना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा 4-5 लाख लोगों की जो फ्रेश एम्प्लॉयमेंट है, IT सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर सारा, तो इट इज़ ए वेरी वेलकम स्टेप इंडस्ट्रियल सेक्टर के बिहाफ पे, तो हम इसको वेलकम करते हैं। इसमें जो कई यूनिट ऐसे भी हैं जो बंद हो गए थे ड्यू टू सम इंसेंटिव होता था, वो भी दोबारा सब्सटेंशियल एक्सपेंशन में स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेट का माइक्रो एंड स्मॉल स्केल सेक्टर है उसके लिए अब स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रेस में है, उनके पास मार्केट नहीं है, उनके पास GST में उनको जो पूरे रिइंबर्समेंट नहीं मिलती है। अब सेंटर का जो उन्होंने जो अभी अनाउंस किया IDS, उसमें 300% ग्रॉस GST है। अब ग्रॉस GST की क्लैरिफिकेशन आएगी हमारी जब नोटिफिकेशन आएगी। ग्रॉस GST के मैं तो दो मतलब लेता हूँ, एक उसमें अगर आप इनवाइस पेपर जो चार्ज करेंगे दैट इज़ ग्रॉस GST, अगर ये नेट GST लिखते तो नेट था कि आफ्टर रजिस्टरिंग द इनपुट क्रेडिट। तो मेरे ख्याल से अगर ग्रॉस GST दे देते हैं तो इससे अच्छा इंसेंटिव जो है हमारा GST में मेरे ख्याल पूरी कंट्री में कहीं नहीं है। ललित जी, आपने कई चीज़ों का खुलासा किया, जैसे आपने कहा कि एक अच्छा पैकेज अभी तक नज़र आ रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद पिक्चर और भी क्लियर होगी। राकेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, आप जाने माने CA हैं, उसके अलावा आप खुद डायरेक्टर जम्मू कश्मीर बैंक रह चुके हैं। यहाँ पर ललित जी ने बैंक्स के हवाले से कहा कि अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक मिनिमम तरीके से आ गया, क्योंकि कई चीज़ें इसमें आ रही हैं। एक CA की नज़र से और ख़ासकर युवा पीढ़ी जिनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जा रही है, युवा जो पढ़े लिखे जम्मू कश्मीर के हैं, क्या उनके लिए एक आशा की किरण इस न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम से जागी है? देखिए, मैं ललित जी की बात से इस बात पे पूरा सहमत हूँ कि जो इंडस्ट्रियल पैकेज इन्होंने दिया है वो बड़ा सोच समझ के दिया है। चाहे ये UT होता, चाहे ये स्टेट रहता, पैकेज यहीं आना था, लेकिन इस पैकेज को इन्होंने इंडस्ट्री के साथ डिस्कस करके इतना अच्छा खूबसूरत पैकेज बनाया है। लेकिन ये पैकेज 17 साल का है, 2020-21 से लेके जो 2036-37 तक चलेगा, ये 28,400 आपको 17 साल में डिवाइड होगा, आपको पर एनम 1700 करोड़ का ही पैकेज मिलेगा। इसको इंडस्ट्री ध्यान में रखे कि पैकेज 1700 करोड़ का है। जो ललित जी कह रहे हैं कि GST लिंक्ड पैकेज है, GST लिंक 300% आपका उसका किया जाएगा जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सपोज़ आपने 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको 15 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा, और कितने साल में मिलेगा, ये 10 साल में मिलेगा, मतलब 1.5 करोड़ एक साल में मिलेगा। लेकिन आपका जो GST रिफंड में झगड़े थे वगैरह वगैरह वो सब खत्म हो जाएंगे, उस शेप में आपको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव आने वाला है। वो डिटेल्ड में अभी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, इसमें झगड़े खत्म होंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है 28,400 करोड़ के लेआउट का, इसमें गवर्नमेंट आई कर रही है कि 20,000 करोड़ और 25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगी। जब इतनी इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली है जो एम्प्लॉयमेंट आप चाहते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, वो आपको प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल में, जहाँ की पैकेज भी गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा हैं, वो मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट तो 100% जनरेट होगी अगर आप 20-25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट स्टेट UT में लाना चाहते हो, और ये आएगी भी। इतना अच्छा खूबसूरत पैकेज आपको पहली बार मिल रहा है, ये बिल्कुल सही बोला ललित जी ने। और दूसरा इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप बैंक के माध्यम से कह रहे हैं कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो कैपिटल पे भी आ रही है और उस पर भी आ रही है वर्किंग कैपिटल पे, 100% सही बात है कि आजकल मार्जिन रेट ऑफ जो चार्जिंग है बैंक का वो बिल्कुल कम हो चुका है। 8% पे भी फाइनेंस हो रहे हैं, 7.5% पे भी फाइनेंस हो रहे हैं। अगर आपको 5% और 6% का सबवेंशन मिल रहा है तो यू आर गोइंग टू फेच लोन एट ए मिनिमम रेट विच हैज़ नेवर हैपन इन द पास्ट। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव मिलने जा रहा है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, लोन भी मिलने जा रहा है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा। उसके अलावा
ये ललित जो कह रहे हैं कि स्मॉल स्केल सेक्टर को नहीं बूस्ट किया गया, वो मैं नहीं मानता, क्योंकि इस पर दो जोन बन चुके हैं, ए जोन एंड बी जोन। ए जोन इज़ फॉर अर्बन एंड बी जोन इज़ फॉर रूरल। रूरल में तो इन्होंने इनकरेजिंग किया है कि 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तक आपको सब्सिडी भी 7.5 करोड़ है, और रूरल में ही इन्वेस्टमेंट होगी तो तभी मिलेगा। मतलब कि सिर्फ अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही, आपके एक एक ब्लॉक में इंडस्ट्री लगेगी। लैंड की जो बात है, अगर वो स्कीम ला रहे हैं तो लैंड का तो वो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लैंड आपको मिलेगी मिलेगी। अगर वो इतना इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं आपसे 20 और 25 हज़ार करोड़ का, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपको लैंड ना मिलेगी। लैंड हमारे पास खूब सारी है, गवर्नमेंट उसके मशीनरी बैठी हुई है, लैंड आपके लिए बिल्कुल तैयार की जाएगी। आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दिया गया है जो आपके सामने जल्दी आएगा, 2021 में इसको एनकैश करो। एग्जिस्टिंग यूनिट्स में भी GST लिंक जो पैकेज है वो भी एग्जिस्टिंग के लिए है, और मैंने एक स्टेटमेंट भी देखी है ऑनरेबल गवर्नर साहब की कि एग्जिस्टिंग यूनिट को भी वो एक्सपेंशन में भी ला के इंसेंटिव देना चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ न्यू इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई एक्सपेंशन करेगा उसको भी मिलेगा, एग्जिस्टिंग वाले को वर्किंग कैपिटल की शेप में मिलेगा, और GST रिफंड की जगह अगर GST लिंक्ड पैकेज आ रहा है वो भी आपको मिलेगा। तो इस बदौलत इंडस्ट्री बूस्ट होगी, सोशियो इकोनॉमिक बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हर हिसाब से मेरे को ये बहुत अच्छा पैकेज लग रहा है। आई स्ट्रांगली वेलकम इट। अगर जी, आपने कहा कि इंडस्ट्री बूस्ट होगी, इकोनॉमिक हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, अनिल जी आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक प्रश्न चिन्ह हमेशा जम्मू कश्मीर पर रहता है, क्योंकि पहले भी 1,120 करोड़ रुपये की जो डिफरेंट स्कीम्स यहाँ पर इंसेंटिव जहाँ पर जम्मू कश्मीर में आए हैं उसके मुकाबले 28,400 करोड़ का ये पैकेज, जिस तरह के जी ने भी कहा और पैकेज खुद बता रहा है कि लगभग 17 वर्ष इसका रहेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जम्मू कश्मीर की हमेशा एक समस्या रही है, और हमारी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, खासकर हिमाचल की अगर बात करें, वहाँ जिस प्रकार औद्योगिक घराने पनपे हैं, नए वहाँ पर लोग आए हैं, युवा पीढ़ी वहाँ तक गई है, उसके कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें दिक्कतें यहाँ काफ़ी थी। क्या इस पैकेज से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी एक जो नए उद्योगपति के लिए आसानी होगी? देखिए विवेक जी, क्या है कि अभी तो ये प्रेस रिलीज आई है जी, नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें माइक्रो डिटेल्स का पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने टच तो किया है कि ईज़ ऑफ डूइंग इस प्रेस रिलीज में कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम इसको इम्प्रूव करेंगे, विल अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, पहले तो मैं ये दो बातें ये कहना चाहूँगा कि हमें ये गवर्नमेंट ने भी अंडरस्टैंड कर लिया है, हमें पता है एज ए एंटरप्रेन्योर कि हमारी स्टेट की जो है ये हाई कॉस्ट इकोनॉमी है, और हम तभी नेशनली और ग्लोबली कम्पीट कर सकते हैं अगर हमारी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस की जाए। तो उसके लिए इन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो ये अनाउंसमेंट की है उसमें एक तो उन्होंने टर्म लेंडिंग पे हमारी कॉस्ट कम की है, विच इज़ ए वेरी वेलकम स्टेप। सेकेंडली, प्रोडक्शन रिलेटेड इंसेंटिव्स, अब फाइनल नोटिफिकेशन जब आएगी तो पता चलेगा कि प्रोडक्शन रिलेटेड इंसेंटिव्स क्या इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें क्योंकि हम बड़ी देर से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें जो है वो हमें फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम पे लाया जाए, सो दैट कि जो भी वट एवर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे वो हमें ज़ीरो पॉइंट एक बन जाए, ताकि हम बाहर जाके अक्रॉस द स्टेट्स और अक्रॉस द वर्ल्ड हम माल अपना मटेरियल जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो बेच सकें। तो वो फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम इन्होंने अनाउंस ज़रूर की थी बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो मैं समझता हूँ कि अगर वो भी इस नोटिफिकेशन में आ जाए तो हमें एग्जिस्टिंग और न्यू इंडस्ट्रीज दोनों को बहुत बेनिफिट होगा। देन पावर का जिक्र, जो पावर टैरिफ का जिक्र इसमें कुछ नहीं है, कि नॉर्मली क्या पावर जो है ना वो लाइफलाइन होती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो पावर का जो रेट है वो अभी तक तो अभी दोबारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन गठित हुआ है तो अभी मैं कोई पता नहीं चल रहा है कि पावर टैरिफ ये क्या फ्रीज करके रखेंगे कुछ सालों के लिए या कितनी रेगुलर, क्योंकि बिकॉज जो भी नई इंडस्ट्री आएगी वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे करेगी, तो वो चीज़ें ना सारी नोटिफिकेशन में आने आएगी कि अपेरेंटली बहुत बढ़िया लग रहा है बट जब नोटिफिकेशन आएगी तो माइक्रो डिटेल्स उसी में पता चलेगी। मैं ये समझता हूँ कि वी शुड कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि हाँ, जो हम हमारे जो हमसे डिस्कशंस हुई हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के इदारे में, और जो यहाँ से स्टेट यूटी गवर्नमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को की हैं, वो अगर हमारी से 100% नहीं तो अगर 75% भी
वो इस पैकेज में एडजस्ट हो जाती हैं, तो इट विल डेफिनेटली बूस्ट अवर इकोनॉमी और नई एम्प्लॉयमेंट भी आएगी, नई इंडस्ट्री भी, इन्वेस्टमेंट भी आएगी। बट एक बात मैं ये कहूँगा कि हमें इसमें ये पैकेज सर्विस सेक्टर को भी दिया गया है, पर एक हमेशा ये रहा है, अगर आप कई जगहों के एग्जांपल्स देख लें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ ही सर्विस सेक्टर डेवलप होता है। तो कंसंट्रेट हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा करना पड़ेगा और उसके साइमल्टेनियसली सर्विस सेक्टर डेवलप होगा, क्योंकि आप गुड़गांव की एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर इंडस्ट्री पहले आई एंड देन द सर्विस सेक्टर केम। सो इसलिए हमें वो जो एक मदर इंडस्ट्री का भी एक स्कोप यहाँ पे रखना चाहिए, जिससे कि एंसिलराइजेशन हो और उसके साथ सर्विस सेक्टर में भी बढ़ावा हो। इनफैक्ट मैं अपने को पार्टिसिपेंट से ये एग्री करता हूँ कि इस गुड इनिशिएटिव और ये नोटिफिकेशन आने पे हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि ये कितना हमें सूट करेगा। एक अच्छा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से, लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार जो नोटिफिकेशन आएगी पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर होगी। मनोज, प्रोफेसर मनोज जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, एक अर्थशास्त्री की नज़र से कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर पोस्ट यूटी सिनेरियो की अगर बात करें, इकोनॉमिक इसकी वायबिलिटी की अगर बात करें, खासकर इस पैकेज के हवाले से आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए विवेक साहब, मेरा मानना है कि जो भी इस समय सरकार या तो राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को या पूरे समूचे राष्ट्र के लिए जो भी पैकेज दे रही है, इसको दो तीन नज़रिए से देखना चाहिए। खैर, ये बात ठीक है कि हम हाल फिलहाल ही केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, मगर उससे ज़्यादा एक और बात है कि ये जो COVID-19 के बाद के जो पैकेजेस आए सरकार के, उसमें भी इंप्लॉयमेंट की बात बहुत सारी कही गई, जिसमें आत्मनिर्भर भारत 1, 2, 3 ये उन्होंने देश के लेवल पर भी काफ़ी सारे दिए। मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक रही अनएम्प्लॉयमेंट की बात, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, जबकि सरकार पैकेज पे पैकेज देती जा रही है ना, और पूरे देश में हो रहा है, मतलब ये कोरोना से पहले ही हो चुका था, कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी पैकेज, इनके सारे पैकेजेस इस प्रकार के हैं कि अगर इंडस्ट्री ऐसा करे, जैसे कोई अगर नई इंडस्ट्री खोले, कोई अगर अपने आप को एक्सपैंड करे, देन दे आर गोइंग टू गिव मनी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इंडस्ट्री कोई भी इंसान कब लगाता है या कब एक्सपैंड करता है, जब उसकी डिमांड होती है। डिमांड साइड में आप देखें तो इस समय कंट्री के लेवल पे डिमांड कितनी है। आप, मैं अगर इस समय ये देखना चाहता हूँ, हमारी ही इकोनॉमी को देख लें, तो एक तो पहले ही हम ग्रोथ रिसेशन में जा चुके थे कोविड से पहले, और कोविड के बाद और भी ज़्यादा गंदा इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, ठीक है हम उसको एक सस्ते दरों पे लोन देने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 3 या 4% पे हम लोन दे देंगे, हम ये भी कह रहे हैं कि हम उसे GST लिंक प्लान दे देंगे, हम 28,400 करोड़ का प्लान दे देंगे, लेकिन क्या ये प्लान अपने आप में, अगर मान लिया कि कागज़ों में आ गए, कागज़ों के बाद ज़मीनी स्तर पे तो तब उतरेंगे जबकि एक एंटरप्रेन्योर को, जैसा कि मेरे से पहले पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि जबकि इंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगेगा कि मेरे बनाए हुए माल की खपत है और वो बिकने जा रहा है। इस समय देश का, मुझे जो लगता है, मैं ये नहीं कह रहा सरकार ने जो किया है ये अच्छी बात है, इस पैकेज को हम सब वेलकम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए ऐसा क्या है कि न सिर्फ, जैसा कि अभी मेरे से पहले ललित जी ने बताया कि हिमाचल है या अड़ोस पड़ोस के पड़ोसी राज्य हैं, हमें उनसे तो कंपीट करना ही करना है JNK को, मगर यहाँ पे तो हाल ये हो रहा है कि ना तो उनकी खपत है ना हमारी खपत हो पा रही है पूरे के पूरे, क्योंकि जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक हम कोई भी पैकेज अनाउंस करेंगे। इस समय तो मामला ये है, आप देखिए अगर हम इसी कोविड को हम दूसरे देशों से कंपेयर करें, US में तो प्राइवेट सेक्टर की सैलरी, जो इम्प्लॉयज हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर की इम्प्लॉयज की कोविड के दौरान की उनकी सैलरीज भी उनके गवर्नमेंट ने प्रदान करी है, हमारे देश में तो ऐसा नहीं हुआ गया। हमारे देश में कहा जरूर गया कि आपके वहाँ जो काम करते हैं उनकी सैलरी देते रहिए, ये अच्छी अच्छी बातें कही जरूर गई, मगर वहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट मिला क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को? वो सपोर्ट नहीं मिला। तो ये सारी बातें भी उसके साथ ही देखनी पड़ेंगी, अगर हमें इंडस्ट्री को खड़ा रखना है तो देश को ये भी देखना पड़ेगा। और फिर एक और बात, जैसा कि मेरे से पहले कहा गया कि डेविल लाइज इन द डिटेल,
डेवल। अब आप देखिए, जैसा कि हमारे सीए साहब ने बताया कि एक्चुअल में जो पैकेज है वो पर ईयर के 17 साल का है, पर ईयर के हिसाब से देखें तो 1700 करोड़ का बन रहा है। 1700, अब हम इसको ऐसे तो आएगा नहीं है, आप हर साल का अपना बजट देखिए, उसी बजट में से निकालिए, क्योंकि पैकेज जब अनाउंस होता है ना वो फिगर्स बड़ी दिखने लग जाती हैं, लेकिन वही आएगा तो बजटरी प्रोविजन से ही, तो वहां पे आप देखिए कि क्या क्या प्रोविजंस मिल रहे हैं। एक तो इनका नोटिफिकेशन का हमें वेट करना पड़ेगा जिसमें कि डिटेल्स होंगी, और बजटरी प्रोविजंस। तो मेरा एक मानना है हमें जो बहुत ज्यादा और इमीडिएट चीजों की जो जरूरत है इस समय हमारे देश को भी और राज्य को खास तौर से, वो ये कि क्लैरिटी जो है ना वो हमारी ना तो देश की पॉलिसीज में मुझे दिखाई थोड़ी कम दिखाई दे रही। मैं मानता हूं कि हो सकता है मंशा बहुत अच्छी हो, और ना ही स्टेट के उसमें दिखाई दे रही है। आप मैं आपको इस तरह के कई प्रोविजंस बता सकता हूं। अभी मैंने एक रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा जिसमें कि मैंने कहा कि जिसमें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मई 12 तारीख को इन्होंने अनाउंस कर दिया 20 लाख करोड़ का, लेकिन मेरे पास मतलब फोर्टनाइटली डेटा है और मंथली डेटा भी है। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अनाउंस करना एक बात, मगर एक्चुअल सेंस में देखें तो नवंबर तक डायरेक्ट गिरता रहा है। अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज था तो वो गिर क्यों रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? मैं आपको ये फिगर दिखा सकता हूं, और ये मैं अपना डेटा नहीं बोल रहा, मैं यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की का जो वो मंथली स्टैटिस्टिक्स देते हैं मैं वहां से ये डेटा निकाल सकता हूं और दिखा भी सकता हूं। तो बात ये है कि ये जो पैकेजेस हैं ये धरातल पे तब उतरते हैं जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लगे दैट देयर इज ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट। ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट वो से नहीं दिखाई देगा तो वो कहां से बेचारा नई इंडस्ट्री लगा देगा, कहां से अपना एक्सपेंशन कर लेगा? तो ये भी इस बात को उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं मतलब ये ठीक है मंशा बहुत अच्छी है, मगर उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ प्रोफेसर मनोज जी ने उठाया कि मार्केट में इस वक्त उतनी डिमांड नहीं है और ऑप्टिमिज्म की कमी नजर आ रही है, क्या कहेंगे सर? सर मार्केट डिमांड की अगर हम बात करें तो अभी जो रिसेंटली दिसंबर महीने की कलेक्शन आई है जीएसटी की नेशनल लेवल पे, वो हाईएस्ट आई है अभी तक जब से जीएसटी लगा है, मंथली कलेक्शन पहली चीज। उससे ये है कि इट मीन्स कि प्रोडक्ट्स की मार्केट जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा ट्रेड इंडस्ट्री पे है, इट मीन्स कि डिमांड पिकअप हुई है जो है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के जेएंडके की बात करें ना, देखो यहाँ अनिल जी ने बिल्कुल ठीक बोला, जब तक हमको ट्रांसपोर्ट बेस्ड इंसेंटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरफ चाइना बैठा है एक तरफ पाकिस्तान बैठा है। आज हमारी जो माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर की हम बात करते हैं, अराउंड 90% लोकल यूनिट जो हैं वो लगे हैं जिनको सिर्फ विद इन द स्टेट मार्केट है, उनके पास वो पंजाब में माल नहीं भेज सकते ड्यू टू कंपटीशन। उनके पास पंजाब वालों के पास मार्केट बड़ी है, हिमाचल का मार्केट बड़ी है, वो उनके पास जो एडिशनल उनके ओवरहेड तो सेम रहेंगे ना, उनकी जो एडिशनल डिमांड वो जम्मू। आज क्या टोल हट गया, पहली जनवरी 2020 से गवर्नमेंट ने बोला था माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर को या लोकल यूनिट को हम सपोर्ट करेंगे कि कोई इंसेंटिव देगा, क्योंकि आज इतना स्टिफ कंपटीशन हम लोग फेस कर रहे हैं बाहर से। आप ब्रिक्स की बात ले लो, लोकल जो ब्रिक्स के क्लीन लगी हैं वो इतने इस प्रॉब्लम में है कि पंजाब से सारी ब्रिक्स यहाँ आ रही है। तो ट्रांसपोर्ट का अगर इंसेंटिव बाय रोड का मिले, देखो पहली आईडिया स्कीम आई थी उसमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट इंसेंटिव दे दिया जी बाय रोड बाय रेल, रेल एड टू रेल एड, वो किसी ने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। देखो बाय रोड का यहाँ से हमको इनकमिंग रॉ मटेरियल पे आप दे दीजिए और आउटगोइंग पे दे दीजिए बाय रोड, यहाँ इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक वो सपोर्ट मिलेगी, और जो लोकल हमारे लोग माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर सेल कर रहा है तो उनको इंटरस्टेट का आप बजटरी सपोर्ट दो। आज गवर्नमेंट ने क्या किया सर, देखो वहाँ डिस्पैरिटी क्या हुई, जो लोग इंटरस्टेट सेल यहाँ से माल बाहर भेज रहे हैं जब हमारा स्टेट का पैकेज आया पहले, उनको 2% की बजटरी सपोर्ट मिल गई। लोकल जो माइक्रो स्मॉल का उनको कोई सपोर्ट नहीं है, वो कहाँ से अपना माल बेचेंगे? और दूसरी चीज़ आ गई क्या कि यहाँ पे अगर आप देखिए कि जो इंसेंटिव्स हैं, इंसेंटिव्स में डिस्पैरिटी की गई। आप लोकल जो हमारे माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर हैं उनको जीएसटी एसजीएसटी का जो उनको बेनिफिट दिया गया, सीजीएसटी का नहीं दिया गया, और जो प्रायर टू जीएसटी एक्साइज के पैकेज में थे उनको इन्होंने सेंटर का भी आईजीएसटी दे दिया, सीजीएसटी दे दिया, और लोकल लोकल का भी उन्होंने एसजीएसटी दे दिया।
अब क्या हो गया कि मेरा स्मॉल स्केल यूनिट है, आपका मीडियम स्केल है, आपको 100% जितना आपने जीएसटी पे किया आपको 100% मिल रहा है एसजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी, मेरे को नहीं मिल रहा सीजीएसटी, तो मैं आपके मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेच लूँगा। तो ये जो डिस्पैरिटीज की गई हैं, अब 2% की अब टर्नओवर की बात करते हैं, पर्टिकुलर उस लोगों को दे दिया गया जिनकी 16-17 में सेल थी, यहाँ से जो बाहर माल भेजते हैं उनको टर्नओवर इंसेंटिव दिया जी आपको, तो क्यों 2016-17 जी, क्यों नहीं सबके लिए, जो 16-17 से पहले सेल करता था इंटरेस्टेड सेल, और जो उसके बाद लगा, आज 8 जुलाई 2012 के बाद स्टेट गवर्नमेंट का कोई 2007 के सॉरी 17 के बाद जब से जीएसटी लगा है स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंसेंटिव नहीं है नई इंडस्ट्री के लिए। आप फिगर निकलवा लीजिए, मैंने फिगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ली थी, 2017 जुलाई से लेकर 2031 मार्च 2020 तक सिर्फ 2 से 2500 लोगों को इंप्लॉयमेंट दिया इंडस्ट्री ने जम्मू प्रोविंस में। बिल्कुल, मैं इसी बात पे मैं यही कहना चाहता था कि इंसेंटिव्स ऐसे होने चाहिए जिसका कि यूटिलाइजेशन हो पाए। सर ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर जैसे अभी इन्होंने कहा रेल हेड टू रेल हेड, अब ये इंसेंटिव्स ऐसे हैं पेपर में बहुत अच्छा दिख रहा है कि हमने इतने हजार करोड़ का, मगर वो इंसेंटिव्स का क्या सच में इम्पैक्ट होगा, तो उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं, जीरो जीरो यूटिलाइजेशन है। तो पहली चीज ये, दूसरी चीज क्योंकि इंसेंटिव्स जो होते हैं वो तभी यूटिलाइज हो पाएंगे, जैसा कि मैंने कहा ना 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज दे दिया, 28,400 करोड़ का पैकेज दिया, ये पैकेज तब है जबकि धरातल में उतरे, वरना ये सिर्फ कागज में रह जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे इंसेंटिव्स को नीचे भी उतरना पड़ेगा। इसीलिए इतना होने के बाद भी, तभी मैंने कहा ना इतना होने के बाद भी उनका रिजल्ट हमें डेटा में नहीं दिखाई दे रहा है, और ये बहुत बड़ी बात हो गई है। सरकार पैकेज दे रही है, अच्छी बात है, मंशा ठीक हो सकती है। और जो मेरा एक जो बड़ा मानना है कि कहीं ना कहीं इनको, जैसे अभी यहाँ एसजीएसटी की बात हो रही थी, भाई जब ये यूटी बना दिया आपने, इवन सिविल सर्वेंट्स के काडर भी चेंज कर दिए, अब यूजीएसटी आना चाहिए। भाई एसजीएसटी का क्या मतलब, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। पहले तो रूल्स रेगुलेशंस ही क्लियर कर लीजिए, सीए साहब बैठे हैं वो बेहतर इसमें बताएंगे, इसमें बेहतर प्रकाश डालेंगे। यहाँ पे पूर्णतः रूल्स का, एक तो रूल्स क्लियर नहीं हो रहे हैं रिगार्डिंग, अब आपने यूनियन टेरिटरी बनाया है तो यूनियन टेरिटरी वाले सारे रूल्स लाने चाहिए, जो कि पौंडीचेरी में है, जो कि अंडमान निकोबार में है, जो कि चंडीगढ़ में है, वो सारे रूल्स एज फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न वो नहीं आ रहे हैं। भाई मुझे बताया तो जाए कि इस तरह, तो इसमें क्या हो रहा है कि मंशा अच्छा होते हुए भी जो डिटेल्स हैं वो धरातल में के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं और उसका हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा है। जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह प्रोफेसर मनोज जी ने भी कहा कि जो ये जो पैकेज आया है काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर इसकी इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें एक चुनौती नजर आती है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें, पैकेज पहले भी आते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक प्रश्न चिन्ह में रहती है। यहाँ पर जो रेड टेपिज्म एक बहुत बड़ी चुनौती है और करप्शन जम्मू कश्मीर में हमेशा रही है, तो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो आसानी रहेगी जो पहले दुश्वारियाँ नजर आती थी? देखिए अगर पिछला डाटा देखा जाए तो 2018 में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आउट ऑफ 32 स्टेट्स एंड यूटी हमारा नंबर सिर्फ 22वां आता था। एक साल में हमने इम्प्रूव करके इसको 21वां नंबर लाया है, जबकि हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश में 7वां नंबर है, और हमारे पैरेलल जैसा पैकेज उत्तराखंड और हिमाचल को दिया जाता है उत्तराखंड में भी 11th नंबर आता है। वो बात मैं आपकी पूरी तरह से सहमत हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जहाँ नहीं था हम पिछड़ रहे थे, लेकिन इस स्कीम में हमें अनिल सूरी जी ने अभी बताया कि इसको प्रिंट मीडिया में और गवर्नर साहब ने ये हाईलाइट ज़रूर किया है कि इस पॉलिसी को हमने इस नज़र से बनाया कि ट्रांसपेरेंसी हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, हम लोगों को इंसेंटिव पहुंचा सकें। प्रोफेसर साहब की भी बात करती है कि धराताल में ये अवेल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उन्होंने इस बात को मीडिया में क्लियर किया है कि ये यूज़ किया जाएगा। दूसरा उन्होंने इनकी बात स्मॉल पैकेज के लिए करती है कि ये रूरल में पैकेज आ रहा है, रूरल में इंसेंटिव भी ज़्यादा है, सब्सिडी भी ज़्यादा है, 5 करोड़ नहीं है 7.5 करोड़ है, लेकिन अप टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़। क्या बड़ी इंडस्ट्री आएगी? अगर 50 करोड़ तक का पैकेज है बड़ी इंडस्ट्री आएगी? आप कह रहे हो कि अशोक लेलैंड आ रहा है, आप कह रहे हो टाटा आ रहा है, वो 50 करोड़ के यूनिट नहीं लग सकते। ये पैकेज तो आप लोगों के लिए ही आया है, स्मॉल लोगों के लिए आया है। और फाइनेंशियल इंसेंटिव में अनिल जी ने आपको बताया कि अभी तक माइक्रो लेवल पे बिल्कुल क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया है
कि पुरानी स्कीम में एसटी रिफंड था, सीजीएसटी रिफंड था, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, दिक्कत आ रही थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, उन्होंने उसको ख़त्म ही कर दिया है। उन्होंने आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव, उसमें आप हो सकता है फ्रेट सब्सिडी आए, क्या लिंक्ड आए, लेकिन आपको 300% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 10 साल में वो इंसेंटिव मिलने जा रहा है, नॉट मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है की है तो आपको 1.5 करोड़ का इंसेंटिव एक साल में इंटाइटलमेंट है, तो ये पैकेज तो मिलेगा। देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ने ज़रूर जहन में रख के ही पैकेज लाया होगा। जब तक अनिल जी की बात आती है कि जब तक पैकेज माइक्रो लेवल पे सामने नहीं आ जाता हमें दोबारा बैठना पड़ेगा, लेकिन आज की डिस्कशन में तो यही दिखता है ये पैकेज वाकई में एक सुंदर पैकेज है, लोगों को लेयर करने के लिए पैकेज है, इन्वेस्टमेंट वाकई ही करने के लिए पैकेज है, और इंडस्ट्री की कास्ट को देखते हुए उन्होंने कास्ट रिड्यूस भी की है, और इसको जीएसटी लिंक्ड इस हिसाब से बनाया कि वो रिफंड वाली प्रॉब्लम जो इनको समझ आ रही हैं वो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। प्रोफेसर साहब की एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जब ये यूटी है तो यूटी एसटी होना चाहिए, ना कि एसटी होना चाहिए। ये क्यों नहीं कर रहे, ये टाइम पर ठीक कर ही देंगे, उनको भी समझ आ जाएगी। और कुछ पूछना था? समझ तो उनको है लेकिन समझ नहीं रहे हैं। अनिल जी, कोविड से पहले एक जब एलजीडीसी मुर्मू थे उस वक्त एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स मीट, टीमें पूरी यहाँ ब्यूरोक्रेट्स की कहाँ कहाँ नहीं गई हैं इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टर्स को ल्यूर करने के लिए, उसके कितने परिणाम सामने आए उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर क्या आपको लगता है कि सीधी बात आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि कई प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उभर के सामने आए हैं, क्या यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी इस पैकेज के बाद, क्योंकि धरातल पर जो कमज़ोरियाँ प्रोफेसर मनोज जी ने गिनाई हैं उसके बाद क्या आशावान आप हैं? देखिए विवेक, सबसे पहले मैं सिस्टम्स की बात करूं, कि मैं सिस्टम कंसल्टेंट हूं तो सिस्टम्स की बात करूंगा कि हमें रूट कॉज एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए कि कहां पे क्या कमी रह गई जिसके कारण कि हम ये ग्रो नहीं कर सके। अगर आप 2002 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखें तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एजेंसी हायर की थी ग्रांट थॉर्नटन करके, उनकी एक रिपोर्ट आई, उन्होंने किया कि 10 साल में उन्होंने जितने इंसेंटिव्स दिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई 10 ईयर्स। वो भी एक बड़ा अच्छा पैकेज था, सब कुछ था, बट वो ग्राउंड पे उतर नहीं सका कि वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस में बड़े लकुने थे जो कि डाउन द लाइन अगर नहीं हो सके। मैं सीधी बात ये कहूँगा आपसे कि हम कुछ भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, किसी भी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि हाई कॉस्ट इकोनॉमी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमें वो मार्केट देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और अगर हमें मार्केटिंग सपोर्ट मिलती है तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ल्योर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी भी और एग्जिस्टिंग यूनिट भी सर्वाइव करेंगे। मार्केटिंग सपोर्ट में मैंने पहले भी कहा कि हमें फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम चाहिए, सेकेंडली हमें प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंस चाहिए जो पहले थी, बट इन्होंने कहा कि जेम पोर्टल बनाएंगे, अब कोई डिपार्टमेंट जेम पे खरीद रहा है, कोई ई टेंडरिंग पे खरीद रहा है, देर इज़ नो यू सी एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरर को कोई बेनिफिट नहीं है इस समय। बहुत बार बात हुई कि हम जेम पोर्टल में जेके जेम का लिंक देंगे सो दैट कि जेके इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, बट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स नथिंग हैज मूव्ड ऑन। बाकी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अगर यहाँ पे अच्छे टाइम बाउंड स्कीम पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारी यूटी में भी डिमांड जनरेट होगी, बिकॉज इकॉनमी का ही इज़ द एक्सपर्ट, तो जो हमें समझ आती है कि वो इस समय बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो सिस्टम, बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स, इट इज़ इकॉनमी इज़ एट द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो पैन वर्ल्ड, इंडिया में और यूटी में फिर हम और बैकवर्ड हैं, तो इसलिए हमें मेरे हिसाब से मैं फाइनली यही कहूँगा कि हमारे मार्केट मटीरियल बेचने की सुविधा देनी चाहिए गवर्नमेंट को, जो इन्होंने कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट पे जो इंसेंटिव्स दिए हैं वो भी अच्छे हैं, बट अल्टीमेटली वो इंसेंटिव्स तभी सही तरीके से यूटिलाइज हो गए अगर हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो हैं वो मिले।
प्रोफेसर मनोज भट्ट, एनर्जी की आप बात सुनिए, ऐसी जिट से यहाँ कहीं बन चुके थे या अनाउंसमेंट भी हुई थी, और उसी कड़ी में भी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से आर के सिंह यहाँ पर आए थे, पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने की बात की गई थी, क्या इसको हम इंडस्ट्री से जोड़ के देख सकते हैं? नहीं, पावर प्रोजेक्ट्स तो जैसे कि इन्होंने पहले भी बताया कि पावर प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री के बैकबोन है, वो इंडस्ट्री के क्या, वो चाहे आप कमर्शियल सेक्टर देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए, किसी भी सेक्टर को देखेंगे वो बिना पावर के चलेगा नहीं। और आजकल तो इवन एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा पावर इंटेंसिव होता जा रहा है, तो ऐसे में वो तो लिंक्ड है ही। लेकिन और हो सकता है कि और ऐसा नहीं है कि सरकार ने उसकी उस तरफ से बेनिफिट्स नहीं दी हैं। इनफैक्ट मेरे से पहले जिन्होंने शुरुआत करी उन्होंने ये सबसे पहले ये कहा कि सरकार पहले भी पावर का वो वहाँ पे इंसेंटिव दे चुकी है, वो तो अच्छी बात है। मेरा जो इसमें पूरा जो टेक है वो ये है, ये जो एनालिसिस करी जाती हैं कि हम इतना पैकेज देंगे और इससे इतने एम्प्लॉयमेंट होगा और इतनी इंडस्ट्रीज आएंगी, ये क्या होता है, ये बिजनेस एज यूजुअल, मतलब एक ऐसा है कि एक ट्रेंड लाइन जा रही है, उसी को ही हम आगे खींचते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये हमारा ग्राफ, अगर इतना इन्वेस्टमेंट है तो इतने एम्प्लॉयमेंट, और अगर इतना हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, इस तरीके का कैलकुलेशन होता है। मगर क्या ये जो लाइन है ये बिल्कुल लीनियर है? मेरा आंसर ये है कि ये शायद लीनियर नहीं होती। कारण उसके कई हैं। कारण उसका सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि ये लिनियरिटी वहाँ ख़त्म हो जाती है जबकि प्रदेश में इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ये किस चीज़ में आधारित है। अभी जैसे जो वो फ्राइड इक्वलाइजेशन की बात कर रहे थे, वो तो एक्चुअली में बात कर रहे थे कि हमारे प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट को मार्केट मिल पाए दूसरे प्रदेश का, मगर मामला तो यहाँ ये हो रहा है कि अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के पास अपने ही प्रदेश का मार्केट नहीं है क्योंकि उनकी चीज सस्ती हुई जा रही है। यहाँ तो उल्टा हो गया है ना। तो आपको तो अभी वो तो फ्रेड इक्वलाइजेशन तो दूसरी चीज है। हमें अभी अगर हम बाकी जगह हम इसको अगर ऑटार्किक रूप में देखें कि हमारे प्रदेश में, अभी हम बाकी प्रदेशों की बातें छोड़ दें, सिर्फ अपने प्रदेश की बात भी करें, तो क्या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास अपने प्रदेश का मार्केट है? तो आंसर इज नो। उसमें भी बाकी लोग हमसे अच्छा कंपीट कर रहे हैं। और यही मैं वही बात कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए, हिंदुस्तान के लेवल पूरे देश के रूप में देखेंगे तो आपको दूसरे देशों के सस्ते माल आपके देश को खाए जा रहे हैं, जब अपने प्रदेश के रूप में देखेंगे या केंद्र शासित प्रदेश के राज्य के रूप में देखेंगे तो क्या है कि दूसरे राज्य के लोग हमें खाए जा रहे हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं तो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, अपने सारे ही सेक्टर को, कमर्शियल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं ना कहीं ऐसे बचाना पड़ेगा जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी हो और उन्हें मार्केट भी मिल पाए, तभी वो लोग एक्सपैंड करेंगे। मेरा बस इतना कहना है, पैकेजेस आएंगे अच्छी बात है, मगर उसके साथ ये भी देखें कि क्या ये कोई भी पॉलिसी इफेक्टिव तभी होती है जबकि वो इम्प्लीमेंटेबल होती है। अगर वो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है तो कितनी भी अच्छी पॉलिसी क्यों ना हो। इसीलिए एक बात बता दूं, एक ने कहा द रोड टू हेल इज ऑलवेज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, एक ने ये भी कहा है ना। तो इसलिए ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत अच्छा वो होते हुए भी अगर उसकी इम्प्लीमेंटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी तो मेरा अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा SEZs यहाँ बने। वो SEZs अब जैसे लैंड को लेकर के एक तो वैसे ही प्रॉब्लम रहती है, फिर उस SEZs का हम किस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम भाई कुछ भी कहिए एक तो हिली रीजन है ये और हम समुद्र से भी बहुत दूर हैं, नदियाँ यहाँ की इस्तेमाल हो नहीं सकती। या तो आपको एक ही चीज़ है, रोड में हमें आपको कंसेशन देना पड़ेगा, कोई और तरीका ही नहीं है। और ट्रेन लिंक भी आप ही देखिए, अगर देखिए क्योंकि हम जब बात करेंगे तो हम सिर्फ जम्मू की बात नहीं कर सकते, हमें तो कश्मीर तक जाना पड़ेगा, बारामूला तक जाना पड़ेगा, अनंतनाग तक जाना। रेल लिंक भी कितना है अभी आज की तारीख में ये राज्य में कितना रेल नेटवर्क है? बहुत कम। पहाड़ी राज्यों में कितना रेल नेटवर्क? अब जो आपकी पॉलिसीज हैं अगर वो रोड के बजाय रेल में आ गई तो हमारे लिए, तो पहाड़ी राज्यों के लिए, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, इनके लिए तो कोई मीनिंगलेस चीज़ है, वो कोई ट्रेन ही नहीं। तो हमें तो आपको ऐसे इंसेंटिव, अच्छा ये तो रहा रोड, दूसरा मैं आपको बताऊं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, अगर आप एक बिल्डिंग प्लेन एरिया में बनाते हैं और एक वही बिल्डिंग आप हिली रीजन में बनाते हैं, क्योंकि इस प्रदेश में काफ़ी एरिया हिली रीजन है, इवन जम्मू रीजन के अंदर बहुत सारा हिली रीजन है,
तो हिली रीजन में वही बिल्डिंग बनाने में आपका ज्यादा खर्च आता है, आपका रोड रोड कंस्ट्रक्शन में ज्यादा खर्च आता है। तो जो भी पैकेजेस हैं, क्या उसमें ज्योग्राफिकल जो इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि आपको भाई आपको सब चीज में पैसा दुगना या तीन गुना हो जाता है, वो चीज को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब कुल ये है कि अगर इसको हमें सच में 28,400 करोड़ को धरातल में लाना है, तो जो डिटेल है, जैसा कि हमारे सीए साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म भी है, तो कि ये जब डिटेल आए एटलीस्ट उस समय इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर उस समय नहीं ध्यान दिया गया तो ये सिर्फ कागज में रह जाएगा और ये नहीं उतर पाएगा। ये सिर्फ कागज पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने SEZ की बात कही, SEZ था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, G&K होल एज ए होल इज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन SEZ कि होल ऑफ द G&K इज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो हमें SEZ का कंसेप्ट G&K पे एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो इंफ्रा फैसिलिटीज हैं, जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, जैसे फ्रेट कॉरिडोर है या हमारे पास ड्राई पोर्ट फैसिलिटीज हैं, कि हमें मार्केट बूस्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उस पे हमें पहले ध्यान देना। देखिए जी, चलते चलते एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहूँगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात में वोकल फॉर लोकल की बात की है, जम्मू कश्मीर के सैफ्रॉन की बात की, और यहाँ कई ऐसे USPs हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है। अपने राजमार्ग की अनारदाने की अपनी बात करें, क्या इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर को इस तरह भी ध्यान देना होगा, कुछ इनोवेशन के साथ आगे बढ़ना होगा? बिल्कुल सर, अभी मन की बात के बाद आपने देखा होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अभी एक NAFED के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा होगा कि हॉर्टिकल्चर को बूस्ट मिला बिल्कुल, और हॉर्टिकल्चर के लिए उन्होंने प्लांटेशन भी की है, CSS स्टोर भी आ रहे हैं, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। और मैं अपने को पार्टिसिपेंट से एक बात पे, पर्टिकुलरली प्रोफेसर साहब से कहूँगा कि हमें पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से ही चलना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई चीज़ सोच के हमारे लिए लाई है तो वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे और हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, हमें क्लाइंट्स भी मिलेंगे और हमें बाहर से, ये ऐसे नहीं है जो पेपरों में नहीं रह जाएगी। ये मेरा I am totally sure कि ये पेपरों में नहीं रह जाएगी। हालात पहले वाले नहीं है, पहले से बदल चुके हैं और आपको फ़र्क नज़र आएगा। ललित जी क्या कहेंगे चलते चलते? सर ऐसे मैं इस पर थोड़ा सा आपको याद करता हूँ, जैसे राकेश जी ने बोला कि 1700 करोड़ पर साल का इसमें इम्पैक्ट आएगा 17 साल में जी। तो देखिए, जब 2004 में हमारा सेंट्रल पैकेज आया था तो 2004 से लेकर 2017 तक 10,800 करोड़ रुपया सेंट्रल एक्साइज का रिम्बर्स हुआ था। तो ये इसको हम 17 साल में डिवाइड ना करेंगे, और नीति आयोग बैठा 5 साल की वो वर्किंग देखेगा, 5 साल में कितना इंसेंटिव किया उसके हिसाब से वो फर्दर हमारे को, मतलब 28,000 अगर ये कि इसको 28,417 साल में जाएगा, मैं तो कहता हूँ ये पॉलिसी 17 में रहेगी। अच्छा, उसमें क्या है कि 36 में जो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करेगा 36 में, उसको आगे 10 साल मिल जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप पावर, मैं अनिल से बिल्कुल एग्री हूँ कि पावर को पावर रेट फ्रीज करना चाहिए, जो है पावर सैंक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, आज 16 डेवलपर फाइल घूमती है, आज तो हम 3 साल से गवर्नमेंट को ईज ऑफ डूइंग, मुझे राकेश ने बोला, आज ये अगर इसको मॉडल में निकाल दे तो मेरा हमारा ग्राफ काफ़ी नीचे उसका आ सकता है ईज ऑफ डूइंग में। उसके बाद एंसलराइजेशन इज मस्ट। देखो, बाहर के लोग आएंगे, यूनिट लगाएंगे, तो मिनिमम 60% यहाँ की एम्प्लॉयमेंट लोकल लोगों के लिए रिजर्व करनी चाहिए, कि वो लोकल लोगों के लिए भी और साथ में परचेज फ्रॉम द लोकल यूनिट से। एंसलरेशन का होता है कि उनके सब्जेक्ट टू प्राइस एंड क्वालिटी, आप यूनिट यहाँ लगाओ, मेटल बाहर से ले आओ और यहाँ लोकल को इग्नोर कर जाओ, तो उसमें तो फिर उसका पर्पज ही खत्म हो गया। यहाँ ऐसे यूनिट हैं जो अपने साथ बाहर से पैकेजिंग मेटल के यूनिट लिया है, बड़ा यूनिट लगा, अपना यूनिट पैकेजिंग मेटल भी लगा लिए हालांकि। तो उस चीज़ पर गवर्नमेंट को बड़ा ध्यान देना चाहिए और एक राइडर लगाना चाहिए कि करेंसी ऑफ दी अगर इंसेंटिव है, जब तक वो इंसेंटिव खत्म नहीं होता, अगर कोई 4 साल पर इंसेंटिव लेगा भाग जाएगा, उसके कोई राइडर होना चाहिए। बाकी स्टेटों में जो इंसेंटिव दिए जाते हैं उसमें लिखा होता है कि अगर आपने इतना इंसेंटिव लिया है, आप स्टेट एंड चक्कर को, सेंट्रल एंड चक्कर को उतना पैसा जमा कराओगे, उसके बाद आप जा सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू पे दी जो बैलेंस पीरियड का इंसेंटिव। ये चीज़ें जो है ना इन्वेस्टर को पर रीजन है कि कल को इन्वेस्टर यही सोचे मैं लगाया कमाया और मैं ज़्यादा भाग गया, वो चीज़ें हमने देखनी है। बाकी नंदी जी ने बात की है आपने कि प्रोविडेंट, आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड में हमको कोविड में सपोर्ट दिया, हमारे 4 महीनों के लोगों का पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जमा कराया। आज जो नई स्कीम आई है PF की,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें क्या है कि जो नई इम्प्लॉयमेंट देगा या कोविड के जिनको निकाला था उनको दोबारा रखेगा, तो दो साल तक उनका प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन 12% एम्प्लॉयर का, 12% एम्प्लॉई का, वो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। तो ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है कि आप दो साल का अगर किसी का प्रोविडेंट फंड का इंसेंटिव आप उसको गवर्नमेंट बियर करती हो, दैट इज इंसेंटिव। उसके बाद आप देखिए, मैं बताता हूँ प्राइस प्रेफरेंस पे जब बात की, प्राइस प्रेफरेंस पे आज गवर्नमेंट का ऑर्डर है 20% का, पर इम्प्लीमेंट जो एजेंसी हमारी बैठी है माइंडसेट ही नहीं है उन लोगों का प्राइस प्रेफरेंस का। तो ये चीज़ें अगर सारी चीज़ों को अगर देखा जाए कि जैसे इन्होंने बोला कि वी नीड ए चेंज, माइंडसेट चेंज हो जाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतनी आएगी कि जगह ही नहीं बचेगी। हम उम्मीद करते हैं तो बचने की, हम उम्मीद करते हैं कि एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर के हवाले से नजर आती है, लेकिन बॉटलनेक्स का जिक्र यहाँ पर भी हुआ और हम आशा करते हैं कि जब पूरी एक नोटिफिकेशन सामने आएगी उन बॉटलनेक्स को कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाएगा। और जो बड़ी चुनौती इज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक जिसको लेकर हमेशा जम्मू कश्मीर और इंडस्ट्री यहाँ पर प्रचंड चिन्ह के घेरों में रही है, क्या आने वाले समय में उनको एड्रेस किया जाएगा। और ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि भारतवर्ष की जो एक अर्थव्यवस्था है उसमें एक स्टिमुलस मिलेगा इस पैकेज से, और खासकर जम्मू कश्मीर में जो नौजवान हैं, चाहे पढ़े लिखे या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो युवक युवतियाँ हैं जो रोज़गार की तलाश कर रही हैं, क्या उनको एक बेहतर विकल्प इस इन्वेस्टमेंट पैकेज के जरिए मिल पाएगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। ललित महाजन जी, राकेश गुप्ता जी, अनिल सूरी जी और प्रोफेसर मनोज भट्ट जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।